इस अवसर से प्रेरणा लेते हुए देश की प्रगति के लिए पुनः समर्पित करने की आकांक्षा रखता हूँ। हमको इस आर्थिक विकास को पुनः उच्च दर पर पहुंचाना बजट चुनौती है। संवैधानिक माध्यम है लोकतंत्र को सुदृढ़ बनाने के लिए। इसे बिना किसी बाधा के चलाने के लिए विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका तीनों का ही इस दृष्टि से कुशल होना आवश्यक है। संपूर्ण मशीन का अगर एक भी कल पुर्जा खराब या गड़बड़ हो जाए तो उसका मतलब होता है हमारी नींव का हिलना। नींव जितनी सुदृढ़ एवं शक्तिशाली होगी इमारत उतनी ही विस्तार के लिए भी उपयोगी होगी। समय सापेक्ष आवश्यकताओं के संदर्भ में इसे विस्तार मिल सके, विस्तार दिया जा सके और संतुलन भी बना रहे, यह संविधान का कार्य है। हमारा संविधान बहुत ही सशक्त संविधान है। संविधान सुशासन की आत्मा है। जब तक हम अपना दायित्व संवैधानिक तरीके से करते हैं शासन तंत्र स्वच्छ तथा स्वस्थ रहता है। यह संवैधानिक प्रक्रिया से सुशासन एवं बदलना होता है। भारत एक बढ़ती आर्थिक शक्ति है और इस समय भारत की जनसंख्या की दृष्टि से भी एक लाभांश प्राप्त हो रहा है क्योंकि कार्यशील जनसंख्या का प्रतिशत बढ़ रहा है। इसको डेमोक्रेटिक डिविडेंड के नाम से जाना जाता है क्योंकि 55% से ज्यादा भारतवर्ष के लोग 25 वर्ष की आयु से कम है।